सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प रास्ता। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि अपना किसान पंजीकरण कैसे चेक करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको पंजीकरण पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं। और आप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप अपना पंजीकरण नंबर कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण नंबर जाने पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपना पंजीकरण नंबर जाने, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, कोई भी आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना खाता नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका किसान नंबर आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं कुछ भी डाल करके चेक कर लेता हूँ तो देखते हैं आता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं KR हमने अगर लिखा तो यहाँ पर इतने सारे लिस्ट में नाम आ गए, कितना ज़मीन है, कितना क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं किसान ID भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप किसान ID चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये आप सोचेंगे कि ये साइट कौन सी है, तो दोस्तों इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है UP एग्रीकल्चर, ये आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम आपको सर्च करके भी दिखा देते हैं UP एग्रीकल्चर। तो दोस्तों आप जैसे ही UP एग्रीकल्चर सर्च करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेम वही साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपना किसान पंजीकरण का नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।